प्रदेश के ग्वालियर शहर में प्राचीन एवं कई साल पुराना भूतेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी अमन शर्मा और उनके परिवार के सदस्यों को खुले आसमान के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। पूरा मामला ग्वालियर के भूतेश्वर महादेव मंदिर सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। बीते दिनों जिला प्रशासन की ओर से नगर निगम और तहसीलदार के नेतृत्व में अमय शर्मा से मकान खाली करवाया गया और उनका सामान बाहर फेंक दिया गया। इस कार्यवाही के समय अमन शर्मा, जो कि वर्तमान में भूतेश्वर महादेव मंदिर पर पूजा पाठ का काम किया करता था, बीते दिनों जिला प्रशासन की ओर से हुई कार्यवाही के बाद अमन शर्मा और उसके परिवार के सदस्य मंदिर प्रांगण में अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं। भूतेश्वर महादेव मंदिर के पूर्व पुजारी अमन शर्मा ने बताया कि हमारी कई पीढ़ी भूतेश्वर महादेव मंदिर पर पूजा पाठ का काम करने के साथ साथ मंदिर के अंदर बने मकान में कई सालों से रह रहे थे। अचानक से जिला प्रशासन की हुई कार्यवाही का हम पुरजोर विरोध करते हैं और हम न्याय के लिए हाई कोर्ट में भी अपील की गुहार लगाएंगे। आज अपने सभी भाइयों के साथ श्री भगवान को पुष्प अर्पित किए और यही प्रार्थना करना चाहता हूं उनसे कि इन सनातनियों से मेरा भरोसा बिल्कुल उठ चुका है। आज अमन भाई के साथ इतने दिन हो गए धरना प्रदर्शन करते हुए, लेकिन ना तो किसी भी ठेकेदार ने और ना किसी सत्ताधारी दल के नेता ने आज इनकी सुध ली है। इसलिए मैं ये भोले बाबा से प्रार्थना करना चाहूंगा कि ये जो सनातनी है, जो अपनों का दर्द महसूस करना छोड़ चुके हैं, अपने के दर्द में शामिल होना छोड़ चुके हैं, इसलिए उनसे मतलब रखना तो मैं चाहता नहीं हूँ। सिर्फ भोले बाबा से इतनी प्रार्थना करना चाहूंगा कि इन मजबूर पुजारियों की रक्षा करें इन बाहुबलियों से, क्योंकि आज इनके सहारे के अलावा कोई और मदद हमको दिखती नहीं है। ये जितने क्षेत्र में हमारे ठेकेदार बैठे हुए हैं, उन सबसे एक बात पूछना चाहूंगा कि क्या यह परेशानी सिर्फ इसी व्यक्ति की है? क्या यह परेशानी आपको नहीं हो सकती? यदि हो सकती है तो आज आप इस व्यक्ति के साथ नहीं है, तो खुद सोचकर देखिए कि कल आपके साथ कौन हो सकता है। मैं महाराज के बारे में जितना जानता हूं उससे बता रहा हूं कि शायद महाराज को इस बात के बारे में जितना पता होगा तो शायद कुछ गलत ही पता होगा, जिस वजह से महाराज भाई अमन जी की बात को सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। मैं महाराज से और इस सत्ताधारी दल से विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया यहाँ पर आकर इनकी सुध लें, इनकी पीड़ा को समझें। आज यहाँ पर 100 लोग हैं, कल 500 भी हो सकते हैं। बात को समझें, विचार करें। और मैं ये आशा करना चाहूँगा सिंधिया जी से, अपने महाराज से और महल के लोगों से कृपया ज्यादा से ज्यादा जल्दी यहाँ पर पधारें और इनकी सुध लें कि कहीं आपकी आड़ में कोई और व्यक्ति यहाँ पर गलत तो नहीं कर रहा जिसका भुगतान आपको करना पड़े। मैं महाराज से हाथ जोड़कर पुनः विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा और अनुरोध करना चाहूंगा ग्वालियर की भावपूर्ण जनता से कि यहाँ पर भाई अमन का साथ देने के लिए बिल्कुल पधारें। यहाँ पर जो सहायता करने के लिए मेरी माताएं बहनें उपस्थित हैं, वो भूखी यहाँ पर सो जाती हैं। इस सर्दी के समय में बिना किसी सहायता के खुले आसमान में आराम करते हैं, बैठे रहते हैं एक सहायता की किरण के लिए, लेकिन कोई भी सत्ताधारी दल का नेता या कोई भी इस समाज का ठेकेदार या कोई भी सनातनी इनकी सुध लेने के लिए नहीं पहुंचता है। ये बेहद ही शर्म की बात है कि आज हम इतने असहाय हो चुके हैं कि अपने इन पुजारी को, अपने इस भाई को, अपने इस सनातनी को हम इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं। ये बहुत ही हमारे लिए शर्म की बात है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा ग्वालियर की जनता से, आइए सुध लीजिए, वरना ये परेशानी आज इनको हो रही है, कल आपको लेकर डूबेगी। जरूरत है खड़े होने की, जरूरत है इनके दुख में इनके साथ लड़ने की। आइए लड़ते हैं इनकी लड़ाई को, क्योंकि आज अगर अपन एकत्रित नहीं हो सकते तो ये निश्चय जानिए कि कल आपके भी साथ ये सब कुछ होगा। क्या नाम है और क्या पूरा मामला है जिसके कारण आप मंदिर पर धरना दे रहे हो? मैं यहाँ का पुजारी हूँ, पुजारी अमन शर्मा। मेरे पूर्वज यहाँ पर करीबन 150 वर्ष पूर्व से नियमित रूप से पूजा करते चले आ रहे हैं और अभी एकदम अचानक कार्रवाई करते हैं। तहसीलदार साहब मेरे को बिना नोटिस दिए, बिना कुछ बताए मेरे घर पर आ जाते हैं और मेरा सामान फेंकते हैं ना कोई नोटिस, और कहते हैं कि घर से बेकार कर दिए। एक प्रकार से उनसे कहते हैं हम क्या कह रहे हैं भैया, हम पर आदेश है और कोई आदेश नहीं दिखाते, और मेरे पूरे परिवार को घर से बेघर कर दिया। सभी माताएं बहनें
आज 12 दिन हो चुके हैं, खुले में सब लोग सो रहे हैं आप देख सकते हैं जैसे, और खुले में ही रोटी बना रहे हैं। किसी प्रशासन माने गैर कानूनी ढंग से एक पक्षीय कार्रवाई करता है। किस तारीख पर प्रशासन आपके पास कार्रवाई करने के लिए आया था? 19 तारीख को एकदम प्रशासन के आते हैं, जिसमें तहसीलदार ममता साखे हैं और कुछ ट्रस्ट के लोग हैं जो आते हैं, एकदम कहते हैं आप यहाँ से खाली करिए, आपका अवैध कब्जा, बल्कि मेरे पूर्वज 150 साल से इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं और मेरे को ग्वालियर गवर्नमेंट की तरफ से परवाना दिया हुआ है कि जब तक आपके घर में बारिश आम रहेंगे तब तक आप इस मंदिर की पूजा करेंगे और पुजारी की हैसियत से मंदिर में निवास करेंगे। और मंदिर से काफ़ी जगह भी लगी हुई है जिससे मंदिर की जो भी उससे इनकम होगी मंदिर की आप लगाइए और अपने करिए, लेकिन वो जगह भी इन लोगों ने बेच मारी और अब मेरे को भी यहाँ से भगाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा सामान तो फेंक ही दिया है, लेकिन ठंडों में भी सभी महिलाएँ वगैरह आप देख रहे हैं कि खुले में अपना वो कर रहे हैं। जिला प्रशासन कार्रवाई करने आया, उसके पहले कोई प्रशासन की तरफ से नोटिस भरा? कोई भी नोटिस नहीं आया, सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पे आके कहते हैं कि आप खाली करिए और कहते हैं हम पे ऑर्डर है, ऑर्डर दिखाने को मांगते हैं तो ऑर्डर भी नहीं दिखाते हैं। ऑर्डर भी नहीं दिखाया, कोई भी ऑर्डर नहीं। तो इसकी शिकायत आपने किसी से करी अभी तक? इसके लिए हमने अपनी याचिका हाईकोर्ट में लगाई हुई, जिसमें मंगलवार को हमें तारीख मिलाई है, अब जो भी होगा आगे हाईकोर्ट से, लेकिन हमें हाईकोर्ट के अलावा भगवान भोलेनाथ से और महाराज सिंधिया जी से भी न्याय की उम्मीद है कि वो एक बार आकर देखें और आपके चैनल के माध्यम से उन तक ये खबर पहुँचे कि पूरा मामला जाने और न्याय करें। सरकार से और सिंधिया जी से आप क्या चाहते हो? सरकार और सिंधिया जी से हम यही चाहते हैं कि जो भी बात है पूरी उसको देखें और न्याय करें। जो भी अन्याय हुआ है गैरकानूनी ढंग से ट्रस्ट के लोगों ने, उन्हीं के ट्रस्ट के लोगों ने जो भी गैरकानूनी ढंग से पूरा अन्याय कराया, माने पता नहीं किस दबाव में आके फूट फर्जी तरीके कोई ज़मीन का मामला है, आप समझ ही सकते हैं उनके लोगों ने पूरा काम कराया, जिसमें सरकार के कुछ लोग भी शामिल है, जिसमें तहसीलदार ममता साखी पूरी तरीके से वो हैं। भूतेश्वर मंदिर और ट्रस्ट की जो ज़मीन है वो किस ट्रस्ट के नाम पर है और सिंधिया जी का उसमें से क्या रेल है? वो सिंधिया ट्रस्ट के नाम पर ही 19 बीघा जगह हुई है, बल्कि ये पूरी संपत्ति औकाफ विभाग की संपत्ति है। जो मंदिर मूर्ति इसकी मालिक होती है, मूर्ति मालिक है, लेकिन उनके ट्रस्ट के कुछ नीचे के लोगों ने मिल मिला के और तहसीलदार ने करके सारी संपत्ति वो कर दी और बेच भी दिए कोई संपत्ति। जो वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।